हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजन, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास वोल्टास का इन्वर्टर है और उसमें F9 करके एरर आ रहा है, तो एरर किस चीज का है और आप उसको कैसे घर पे दूर कर सकते हैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चाहिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और आपको कुछ दिक्कत है फ्रिज जैसी, वॉशिंग मशीन कुछ फॉल्ट आ रहा है आपको, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है, उसमें जाइए गाइस, मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, तो मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वोल्टास इन्वर्टर से में F9 अगर एरर है तो एरर गाइस आउटडोर यूनिट में फैन मोटर का फॉल्ट है, ये डीसी है या एसी जो भी मोटर है आपके आउटडोर यूनिट में उसका फॉल्ट है। एक बार आप चेक कर लीजिए, उसका कैपेसिटर को चेंज करके भी देख लीजिए, या हो सकता है चूहे ने वायर ब्रेक कर दिया आउटडोर फैन मोटर के वायर को, तो इसको आप चेक कर लीजिए, अगर वो दोनों चीज बिल्कुल ओके है, या आपका डीसी फैन मोटर है और वो चल नहीं पा रही है मोटर, या स्लो घूम रही है, तो आपको मोटर दोनों तरह से आपको मोटर चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस, जो फॉल्ट है वो आपका फैन मोटर का फॉल्ट है आउटडोर यूनिट में। सो आप इसको चेंज करेंगे तो ये पूरी तरीके से हट जाएगा, F9 जो एरर आपके इंडोर यूनिट में शो कर रहा है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, आप उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें।